नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आज के लिए पूरी रणनीति। हमारे साथ काफी सारे एक्सपर्ट और इनहाउस टीम भी जुड़ेगी जो कि आपको बताएगी कि कहां पर फोकस रखना चाहिए, कौन से ऐसे कंपनी हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के लिहाज से एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा विदेशी बाजारों से भी किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एसजीएस निफ्टी दिखा देते हैं, वहां से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अगर इस वक्त अगर बात करें तो एसजीएस निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है और एशियन मार्केट में मिलीजुली शुरुआत हुई है। यहाँ पर निकाई लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, स्ट्रेट टाइम हरे निशान में है, शंघाई लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन सीरिया पर रूस और यूएस के बीच में जो टेंशन बढ़ी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, उसके चलते देखिए अमेरिकी बाजार और यूरो बाजार दोनों में ही कमजोरी देखने को मिल रही है। कमजोरी के साथ दोनों ही मार्केट बंद हुए हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब रूस चाइना के बाद अब रूस खबरों में आ रहा है, मतलब यूएस ट्रंप की तरफ से पहले तो चाइना को लेकर काफी सारे बयान आ रहे थे, अब रूस को लेकर बयान आ रहे हैं। ये ट्वीट जो आ रहे हैं लगातार, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है ट्रंप की वजह तरफ से। ये जो पूजा टी का मामला है ना, चाहे वो तनाव हो चाहे वो ट्वीट हो, ये बाजार को बहुत परेशान कर रहे हैं। और अगर आपको बाजार में ट्रेड करना है ना, तो अब बाजार में बहुत फेमस बातचीत ये चल रही है कि आपको ट्रंप के जो ट्वीट्स है ना, उनको पढ़ना आना चाहिए, उनको एनालाइज करना आना चाहिए। ये नया ट्वीट है उनका, देखिए अब जो फोकस में है चाइना के बाद सीरिया है। सीरिया के लिहाज से देखें तो यूएस और रशिया के बीच में, रूस के बीच में जो तनाव है फिर से गहराने लगा है। कल एक रूस के अधिकारी थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूएस कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है सीरिया के ऊपर, अगर कोई मिसाइल हमला भी होता है तो हम उन मिसाइल्स को रोकेंगे। वो जो बयान था उसके ऊपर ये ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि रूस को ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अगर कोई यूएस की ओर से मिसाइल हमला होता है, कोई कार्रवाई होती है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि रूस को एक ऐसे देश की मदद नहीं करनी चाहिए, वो सीरिया की ओर इशारा कर रहे थे, एक ऐसा देश जो कि खुद ही केमिकल अटैक करवाता है, केमिकल हमला करवाता है, अपने लोगों को मार के खुश होता है, तो ऐसी चीजों से रूस को बचना चाहिए। और हो सकता है कि रूस के खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन जो है वो अमेरिकी सरकार या ट्रंप लेते हुए दिखें। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन रही है जो कि सीरिया के ऊपर अब यूएस और रूस के बीच में जो तनाव है कहीं ना कहीं गहराता हुआ दिख रहा है। सीरिया को रूस सपोर्ट करता है ये हर कोई जानता है, और उस चीज को लेके ट्रंप खुश नहीं है, और यही कारण है कि उनकी ओर से ट्वीट आया जिस वजह से आप देखिए जो अमेरिकन मार्केट से कल कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हुए दिखे। तो ये बुधवार की रात एक और ट्वीट आया ट्रंप की तरफ से और उसका एनालिसिस इस वक्त संदीप ने करके बताया, क्योंकि अब हम आजकल ट्वीट का भी एनालिसिस करना पड़ रहा है और उसके चलते भी विदेशी बाजारों से संकेत किस तरह के मिल रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। तो संदीप, ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं लगातार, इसके चलते जो असर है वो ब्रेंट क्रूड पर भी देखने को मिल रहा है, और किस तरह के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों की तरफ से? देखिए कल अमेरिका ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, अमेरिकन मार्केट्स अगर आप देखिए कल 1% तक गिर के बंद हुए। सबसे ज्यादा डाउ में एक्शन था, डाउ करीब 1% गिरा और वहां पे करीब 219 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात यह है पूजा इसमें कि एसजेएक्स निफ्टी देखिए हरे निशान में कारोबार कर रहा है, भले 20 पॉइंट के आसपास ही गेंस हैं, और एशिया बाजार मिले जुले, और ज्यादातर आप देखेंगे तो जो गिरावट का जो क्वांटम है अमेरिकन मार्केट एशियन मार्केट्स में वो कम है, और ज्यादातर जो मार्केट्स है उसमें पॉजिटिव टोन के साथ कारोबार देखने को मिला है, बावजूद इसके कि जो तनाव की स्थिति है वो यूएस और रूस के बीच में बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसको कहीं ना कहीं जो एशियन मार्केट्स है वो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये एशिया के लिहाज से ज्यादा बड़ी खबर नहीं है यूएस और रूस के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है कल अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला, 1% का गोता अमेरिकन मार्केट्स ने खाया, और उसके साथ साथ अगर आप देखें यूएस में कल मार्च के महंगाई के आंकड़े भी आए थे, वो एक साल की ऊंचाई पर रहे हैं, जिस वजह से कल फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर था। इनफैक्ट कल यूएस फेड के जो मिनट्स हैं वो भी रिलीज हुए थे, जिसमें यही ज्यादातर अधिकारियों ने कहा है कि यूएस में जो ग्रोथ है वो मजबूत रहेगी, लेबर मार्केट भी मजबूत हो रहा है, महंगाई का जो 2% का लक्ष्य है वो भी हासिल होता हुआ दिखेगा मीडियम टर्म में, जिस वजह से हो सकता है कि धीरे धीरे जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है वो यूएस के मार्केट्स में जारी रहे। आपके सामने फेड बैठक के मिनट्स भी हैं जिसमें धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़ने का जो अनुमान है ज्यादातर अधिकारियों ने सामने रखा है। एक ही कंसर्न वाली बात थी, उनका ये कहना है कि अगर ट्रेड वॉर, जो कि अब हम कह रहे हैं कि शायद फेड हो चुके हैं वो कंसर्न, अगर ट्रेड वॉर गहराता है तो वो शायद यूएस की इकोनॉमी के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन आपको बताएं, ये जो तनाव बढ़ रहा है यूएस और रशिया के बीच में, उस वजह से जैसे आपने पूछा क्रूड के ऊपर इंपैक्ट कल काफी ज्यादा देखने को मिला था। इंट्राडे में कल देखें जो कारोबार था,
$73 के जो लेवल्स हैं वो भी ब्रेंट क्रूड में कल हमने आते हुए देखे। हालांकि ऊपरी स्तरों से जो क्रूड है वो थोड़ा सा फिसलता हुआ अब दिखा है। अब अगर आप देखें $72 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और ये जो ऊपरी स्तरों से फिसला है ना क्रूड उसमें पूजा, दरअसल यूएस के जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं उनका बड़ा हाथ है। कल जो पिछले हफ्ते के प्रोडक्शन के आंकड़े आए वो एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर आए और यूएस में अब जो उत्पादन है 1.05 करोड़ बैरल पर पहुंच गया है। तो उस वजह से ऊपरी स्तरों से थोड़ा क्रूड हल्का हुआ, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से तनाव की स्थिति है सीरिया पर यूएस और रशिया के बीच में, उस वजह से एक समय पर $73 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिले थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए अब जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है आज भी कहना कहीं फोकस में रहेगा। शुक्रिया संदीप। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं हमें समझाने के लिए, तो आज भी क्रूड नजर में रहेगा और इसका असर भारतीय बाजारों में कैसा देखने को मिलेगा ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हुई है जिसका कि कहीं ना कहीं असर आज बाजार में देखने को मिल सकता है, लेकिन अब नजर डाल लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का एक्शन देखने को मिला था। तो लगातार एक बिकवाली थी FIIs की तरफ से, लेकिन कल कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों की तरफ से करीब 362 करोड़ की खरीदारी विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। तो काफी समय बाद इस तरह के आंकड़े आए हैं और घरेलू निवेशकों की बात करें तो करीब 112 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। एफएनओ मार्केट में भी खरीदारी ही थी, एफआईआईएस की तरफ से करीब 1050 करोड़ की खरीदारी एफएनओ मार्केट में भी देखने को मिली है। चलिए जो पूरा जो डेटा हमने आपके साथ शेयर किया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, संस्थागत निवेशकों का, इसको फैक्टर में लेते हुए आज भारतीय बाजारों में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये बताने के लिए लोकेश उपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। लोकेश गुड मॉर्निंग, तो कैसे लग रहे हैं, क्या संकेत है भारतीय बाजारों में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, कौन कौन से सेक्टर आप वॉच करेंगे, क्योंकि कल ऑयल एंड गैस तो फोकस में था, वहां पर काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली थी, आज आपकी क्या राय होगी मार्केट पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी, जैसे कि हमने देखा था कि कल भारतीय बाजारों में खुलते थोड़ा सेल ऑफ देखा गया था एंड मार्केट्स वेंट डाउन क्लोज टू लेवल 10,355, हमें वहां से अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छा, हमने दिन को क्लोज किया तो मार्केट ने 10,400 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कल नीचे के लेवल से बाइंग देखी गई थी जिसने मार्केट को 400 के ऊपर क्लोज कराया। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो रणनीति है टुडे की, आज की जो हमारी एडवाइस है वो ये है कि वी रिकमेंड बाय इन निफ्टी for a target close to levels of 10,470 on the upside with a stop loss close to levels of 10,370. 10,370 का stop loss डाल के 10,470 के निफ्टी को buy करेंगे। तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय है लोकेश की तरफ से, 10,470 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 10,360 का। लोकेश इसके अलावा कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर क्या ट्रेडिंग आइडियाज देंगे आज के लिए दर्शकों को? लोकेश सुन पा रहे हैं हमें? नहीं, चलिए इसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन निफ्टी पर उन्होंने राय दे दी है और इनका मानना है कि खरीदारी करके चलिए 10,470 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमके कॉल्स भी है हमारे पास, आज HDFC बैंक में खरीदारी की राय ये सुझा रहे हैं और इनका मानना है कि 1940 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 1902 का। HDFC बैंक में खरीदारी की राय है और दूसरा स्टॉक TCS, यहां पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 3,065 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए करीब 2900 के आसपास का। तो ये राय लोकेश उपल की तरफ से, निफ्टी और दो स्टॉक्स भी आपको उनकी तरफ से सुझा दिए गए हैं। लेकिन आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, IIP और CPI के आंकड़े भी आज आएंगे, फरवरी में फरवरी के IIP ग्रोथ के आंकड़े आएंगे और मार्च के CPI के ग्रोथ के आंकड़े आएंगे। तो ये जो फरवरी में पहले IIP में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी ये हम आपको बता देते हैं। जी बिजनेस पोल के मुताबिक फरवरी में जो IIP ग्रोथ होगी वो 7.5% से घटकर 6.8% रहने का अनुमान है। तो इस बार जो IIP ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो दिखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कोर सेक्टर के आंकड़े आए थे उसमें भी कमी आई थी, 6.1% से घटकर ये जो आंकड़ा था ये 5.3% के आसपास आया था और माना जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वहां पर कुछ स्लोडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि GST का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम हुआ है लेकिन आगे भी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आगे भी देखने को मिलेगा और इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.5% से घटकर ये जो आंकड़ा है ये 6.8% रहने का अनुमान है। और हम आपको बता दें ये जो ग्रोथ के आंकड़े आएंगे ये 3 महीने के निचले स्तर पर आएंगे, तो देखना होगा किस तरह की ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है। आज शाम 5:30 बजे ये आंकड़े जारी होंगे और इस पर पूरा एनालिसिस करेगी हमारी टीम IIP ग्रोथ में किस तरह के, हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा जो कि IIP नंबर्स का एनालिसिस करेगा। इसके अलावा
सीपीआई महंगाई दर के भी आंकड़े आएंगे और हमारा अनुमान है कि तीसरे महीने यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान है कि 4.4% से घटकर यह आंकड़ा 4.2% के आसपास देखने को मिल सकता है। सब्जियों की कीमतें जो घटेंगी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से हम देखेंगे कि महंगाई दर में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी जो जानकार हैं उनका एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो ब्रेंट क्रूड की चाल हम देख रहे हैं, कच्चे तेल की चाल देख रहे हैं, उस पर कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी जुड़ेगा शाम को, जो कि इस पर और ज्यादा जानकारी देगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आईआईपी में गिरावट का अनुमान है और सीपीआई में भी गिरावट का अनुमान हम देख रहे हैं। चलिए, ये तो हमने सीपीआई और आईआईपी की बात कर ली, लेकिन अब कुछ और खबरों का रुक करते हैं, जहां पर कि खबरों की वजह से काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक्स एंड न्यूज का। तो सुमित जुड़े हैं हमारे साथ ये बताने के लिए। सुमित, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए आज खबरों के लिहाज से कहां पर एक्शन है। मॉर्निंग पूजा, आज सबसे पहले डिफेंस स्पेस की जो तमाम कंपनियां उनके ऊपर आप नजर रखें। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कमिटमेंट आए हैं। दरअसल कल डिफेंस की एक एक्सपो चल रही थी चेन्नई में, जहां पे सभी ज्यादातर कंपनियां मौजूद थी और उन्होंने अपने अपने कमिटमेंट दिए हैं कि कितना वो डिफेंस में एक्सपेंड करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे करार हुए हैं। अदानी ग्रुप ने और पुंज लॉयड दोनों ने ही पहला कमिटमेंट दिया कि वो अमेरिका की कंपनी के साथ करार करेंगे और चॉपर के पार्ट्स, यानी कि जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए करार करेंगे। तो अदानी इंटरप्राइजेस, पुंज लॉयड पे आप नजर रखिए, छोटी शेयर कंपनी है, ऐसी कोई भी खबर आती है तो आमतौर पर इसमें रिएक्शन आता है। इसके अलावा भारत फोर्ज और बीईएल, यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये दोनों ऑलरेडी डिफेंस के कारोबार में हैं। इन्होंने ये बात कही कि फ्रांस की कंपनी प्लैंसी के साथ एक करार करेंगे और जो करार होगा उसमें ये आर्मर्ड व्हीकल, यानी कि हथियार बंद जो व्हीकल होता है, उसको उसके इक्विपमेंट बनाने और उसको बनाने के लिए ये कुछ अपने करार को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी ध्यान रखें। इसके अलावा बालाजी टेली तेजी की उम्मीद यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल के साथ एक करार इन्होंने किया है और ये डिजिटल स्पेस में एक्सपेंशन के लिए करार किया गया है। फर्दर विस्तार कर सकते हैं इस करार के तहत और डिजिटल कंटेंट को भी ये मोबाइल पे दिखाएंगे बालाजी टेली का। तो आप बालाजी टेली के ऊपर भी ध्यान रखें। भारतीय एयरटेल में हालांकि नंबर्स थोड़े खराब आने, इसलिए भी प्रेशर की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के नंबर्स आए हैं, होलसेल जेएलआर बिक्री के आंकड़े आए हैं, जो कि 18% बढ़ी है, 1.53 लाख यूनिट रही है। कमर्शियल व्हीकल की होलसेल बिक्री 33% बढ़ी है और ग्लोबल होलसेल बिक्री 11% बढ़ी है। तो तीनों ही नंबर्स इंप्रूव होकर आए हैं होलसेल सेल्स के फिगर्स के। तो टाटा मोटर्स में आप इस नंबर के लिहाज से भी तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं और साथ साथ इन्होंने भी डिफेंस कारोबार में कंसोलिडेशन की बात की है। इसके अलावा बायोकॉन एक अच्छी खबर इनसे जुड़ी हुई है, जहां पे माइलन के साथ मिलकर अदाली मोबाब, ये इनकी एक और बायोसिमिलर है जो कि ये लॉन्च करने वाले हैं और इन्होंने ईयू में उसकी परमिशन भी मांगी है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में लॉन्च करने की परमिशन मांगी है। सेकेंड हाफ में 2018 की दूसरी छमाही में इसकी परमिशन मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो शायद एक अच्छा रिएक्शन बायोकॉन में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। सिंजिन जो उसकी सब्सिडरी ऑलरेडी तेजी में है, तो बायोकॉन सिंजिन इन दोनों पर ही आप नजर रख सकते हैं, उसका यहाँ पर भी कुछ तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आज सुमित बता रहे थे हमें कि खबरों के लिहाज से कहां कहां एक्शन है। तो अदानी ग्रुप, भारत फोर्ज, बालाजी टेलीफिल्म, टाटा मोटर्स और बायोकॉन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की खबरों के लिहाज से आपको ध्यान रखना है, कुछ एक्शन यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी बाजार में कहां है कमाई के मौके। लेकिन एक बार एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। हरे निशान में ट्रेड करा, 19 अंकों की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है। और कमोडिटी बाजार की अगर बात करें तो हमारे साथ थोड़ी देर में अजय केडिया भी जुड़ेंगे, केडिया कमोडिटी से, इनफैक्ट वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, किस तरह से देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का हाल बताइए और ब्रेंट क्रूड पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 4 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है, अब किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए कच्चे तेल में। गुड मॉर्निंग पूजा, डेफिनेटली कल का जो सेशन था काफी वोलेटाइल सेशन था, चाहे हम गोल्ड सिल्वर की बात करें, चाहे एनर्जी पैक की बात करें, खासकर क्रूड की बात की जाए तो हमने पहले ये मंथ जैसे स्टार्ट हुआ था हमने थोड़ी गिरावट भी आते हुए WTI क्रूड ऑयल है जो 62 तक पहुंच गया था इस बार तो। बट पिछले 2 सेशन में हमने देखा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है सीरिया को लेकर वो काफी गहराने लग गया है, उसकी वजह से प्राइजेस में जंप आया। तो मुझे लगता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहता है तो प्राइजेस, खास करके अगर ब्रेंट की बात करें तो मे भी हम 75-76 के बीच में जा सकते हैं, जबकि WTI अभी भी हमने देखा कि 66 का एक काफी अहम रेजिस्टेंट था वो ब्रिज कर चुका है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 70 के आसपास का लेवल हम WTI में देख सकते हैं। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल हमने रुपए में भी थोड़ी गिरावट आते हुए देखी, वो सपोर्ट मिल गया था एमसीएक्स क्रूड को, तो मुझे
लगता है आज भी वो सेशन कंटिन्यू रहेगा। मोरऑफ कल इन्वेंट्री बढ़कर आई थी, इसकी वजह से उसके बावजूद भी भरा है। ओवरऑल मुझे लगता है आज का सेशन पॉजिटिव रहेगा, जो 4380 तक का लेवल एमसीएक्स क्रूड देखने मिल जाएगा। ओके, तो एमसीएक्स क्रूड में खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, 4320 के लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अजय, आप सोने पर भी आपका एक व्यू जानना चाहेंगे, ये जो फेड के जो मिनट्स आए हैं उसके बाद आप इसे समझना चाहेंगे कि सोने में अब आप किस तरह की रणनीति सुझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तेजी बनी हुई है। देखिए मुझे अगर फेड की मिनट्स की बात करें तो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि 2018 में 3 इंटरेस्ट रेट हाइक डिस्काउंटेड है। इससे पहले कुछ रूमर्स बने थे कि 2 हो सकती है, फिर बने थे 4 बन सकती है, तो ये मुझे लगता है डिस्काउंटेड। एज ऑफ नाउ जो गोल्ड में 2 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल ब्रेकआउट, हमने पिछले 3-4 महीने से देखा कि 1310 से लेकर 1356 का जो दायरा था कॉमेक्स गोल्ड, इसी में ट्रेड कराया था, जो कल की डेट से तोड़ चुका है, तो वहां पे मुझे लगता है टेक्निकल ब्रेकआउट है जो 1375 तक का लेवल गोल्ड में दिखा सकता है। सेकंड था जियो पॉलिटिकल टेंशन, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तब से हमने देखा है कुछ ना कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन, चाहे नॉर्थ कोरिया को लेकर, चाहे चाइना को लेकर ट्रेड वॉर में, या फिर कल का जो रशिया से रिलेटेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोल्ड भी एक अच्छा रेंज ब्रेक कर चुका है, जो $1375 तक का लेवल हम लोग कॉमेक्स गोल्ड में देख रहे हैं। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है आज मॉर्निंग में थोड़ा रिट्रेस जरूर कर सकता है, तो बाय ऑन ड्रॉप रखना चाहिए ऊपर में 31450 इंट्राडे में, जबकि ओवरऑल मुझे लगता है 31800 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। अजय, रूपी पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, इधर जियो पॉलिटिकल टेंशन अब बनी हुई है, इनका इम्पैक्ट अब रूपी पे कितना देखने को मिलेगा? देखिए रूपी हम ऑलरेडी देखें कंसोलिडेट कर रहा है, हमने देखा 6490 से लेकर, अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 6490 से लेकर 6520 की दायरे में था, बट नो डाउट डॉलर इंडेक्स में हम ओवरऑल वीकनेस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुपए को सपोर्ट जरूर करेगा, बट इंटरनल अर्निंग्स और बाकी सबको देखते हुए मुझे लगता है आज थोड़ा वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है, जो 6530 से 6535 तक का लेवल दिखा सकता है। ऑल राइट, अजय बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें सुबह सुबह देने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आज कहां कमाई के मौके हैं। तो आपको बता दिया गया है रुपए डॉलर में भी क्या करना चाहिए, यहां पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, और क्रूड में खरीदारी और गोल्ड में भी खरीदारी की राय अजय की तरफ से, तो यहां पर कुछ कमाई के मौके हैं। अब आपको बता देते हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से कहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। आईडीबीआई कैपिटल की राय है जीएनएक्सएल में खरीदारी करने के लिए, 532 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 502 का। सिम्फनी में खरीदारी करने की ये राय दे रहे हैं, 1910 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 2824 का, यहां पर भी खरीदारी करने की राय होगी। दूसरे जो कॉल्स आ रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग ने टेम्पलेट में खरीदारी करने की राय दी है, कल भी स्टॉक में 2% की तेजी थी, तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है, और 250 के लेवल्स आपको इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 219 का। अगले कॉल में जेके सीमेंट में इन्होंने खरीदारी की राय दी है, 1000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 950 का, कल स्टॉक में 3% की तेजी भी थी और यहां पर 1000 के लेवल्स इनका मानना है कि देखने को मिल सकते हैं, तो जेके सीमेंट्स और टेम्पलेट में खरीदारी की राय चॉइस ब्रोकिंग की तरह से। एक्सिस सिक्योरिटीज के कॉल पर नजर डालें तो एंड्यूरेंस टेक यहां पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 1360 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 1305 का। चलिए ये कुछ ट्रेडिंग पिक्स जानकारों की तरफ से कि ट्रेडिंग के लिहाज से आज कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अब संदीप वापस से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये बताएंगे कि आज ब्रोकरेज हाउस की नजर किन कंपनीज पर है। संदीप बताइए। शुक्रिया पूजा। देखिए कल ओएमसी में काफी ज्यादा एक्शन था, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरे थे। आज इसके ऊपर एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, देखिए वो कह रहे हैं कि अब भी उनका ओएमसी के ऊपर जो पॉजिटिव नजरिया है, यानी कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पर पॉजिटिव नजरिया बरकरार है, और हाल में जो गिरावट आई है वो आप पोजीशन बढ़ाने के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, यानी कि अपनी जो पोजीशंस हैं उनको और ऐड कर सकते हैं जो गिरावट आई है उसके दौरान। वो दरअसल ये कह रहे हैं कि बाजार तो ये डिस्काउंट करना शुरू कर रहा है कि शायद मार्केटिंग मार्जिन खत्म ही हो जाएंगे, जीरो मार्केटिंग मार्जिन हो जाएंगे, जिस तरह से कल हमने जो गिरावट है वो बनती हुई दिखी है। और उनका यह भी कहना है कि सब्सिडी शेयरिंग को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी इन शेयरों में डिस्काउंटेड है, तो ये जो अब गिरावट हुई है ये पोजीशंस ऐड करने का काफी अच्छा मौका है, और इस पूरे सेक्टर में आईओसी उनको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के ऊपर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उसमें उनका ये कहना है कि ये जो साल है 2018 ये सीमेंट कंपनी के लिए चैलेंजिंग होगा। 3 कंपनियां हैं जिनकी रेटिंग उन्होंने कटाई है, अल्ट्राटेक की रेटिंग ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल की है, इसका टारगेट प्राइस भी कट किया है, टारगेट पहले 4750 रुपए था इसे घटाकर 4000 रुपए किया है। इसी तरह से एसीसी की रेटिंग ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल की है, इसका भी जो टारगेट प्राइस है उसे रिड्यूस किया गया है। पहले एसीसी का जो टारगेट प्राइस था वो 2020 रुपए था, अब उसे घटाकर 1680 रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें जो श्री सीमेंट है उसकी जो ओवरवेट रेटिंग है उसे उन्होंने बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस इसका भी कट किया है, 21,500 का टारगेट प्राइस था उसे घटाकर 19,600 रुपए किया है। अंबुजा सीमेंट की जो ओवरवेट रेटिंग है उसे भी बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस यहां भी कट किया गया है,
320 रुपए था पहले, अब इसे घटाकर 270 रुपए किया गया है। और ग्रासिम की जो ओवरवेट रेटिंग है उसे भी बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस 1450 रुपए से घटाकर 1350 रुपए किया है। तो दो कंपनियां हैं जिसकी रेटिंग घटाई गई है, टारगेट प्राइस कट किए गए हैं, और तीन कंपनियों की ओवरवेट स्टैंस रखते हुए रेटिंग कट की, जो टारगेट प्राइस है उसे कट किया गया है। इसके अलावा कैडिला के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाय रेटिंग ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है और यहां पे जो टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं वो 560 रुपए के आसपास के हैं। आखिर में एक यूफ्लेक्स की रिपोर्ट आई है, यूफ्लेक्स के ऊपर रिपोर्ट आई है निर्मल बैंक की ओर से, उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है पूजा, 504 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। ऑल राइट, शुक्रिया संदीप ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो संदीप ने बताया कि आज ब्रोकरेज की नजर कहां, ब्रोकरेज हाउसेज की नजर कहां कहां रहेगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और भी खबरों का। सभी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कि रिटेल निवेशकों को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है और सट्टेबाजी को कम करने की बात की जा रही है। वायदा बाजार में फिजिकल सेटलमेंट को सभी ने जरूरी कर दिया है और सभी बोर्ड की पिछले महीने की जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव लेकर आया गया था और अब सभी ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। और इस पर और डिटेल में बात करने के लिए डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए, फिजिकल डिलीवरी का मतलब क्या है यहाँ पर, और एक आम भाषा में, आसान भाषा में समझाइए कि ये जो पूरी खबर आई है, सर्कुलर जो जारी किया गया है सभी की तरफ से, इसे क्या मायने निकाले जाए। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी चीज को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं, शॉर्टिंग मार्केट का टर्म है, बेच रहे हैं, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए, आप उसको फिजिकली दे के पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी का वायदा बेचा या मैंने किसी चीज को पहले, क्योंकि आप शेयर तो बेच ही नहीं सकते, आपका ऑक्शन हो जाएगा, आप फ्यूचर्स के जरिए बिकवाली करते हैं, तो आपने किसी का फ्यूचर बेचा तो आप उसके बदले में क्या देंगे, आप उसके बदले में मार्जिन जो देते हैं वो तो अलग मामला है, वो तो आपको एमटीएम गेन और एमटीएम लॉस में कन्वर्जन होगा। लेकिन बाद में जब ये सेटलमेंट की बारी आएगी तो आपको उस शेयरों की डिलीवरी देनी पड़ेगी, वो शेयर आपके पास होने चाहिए, आप सीधा नेकेड शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास वो डिलीवरी होनी चाहिए सेटलमेंट के दौरान। ये एक तो मामला है, हालांकि इसकी डेट तो नहीं दी गई है कि कब से इसको लागू किया जाएगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, इसकी डेट्स कुछ एक दिनों में आ जाएगी, क्योंकि सेबी का है, सर्कुलर है, बाद में एक्सचेंजेस को भी फिलफिल करना है, क्लाइंट्स को भी बताना पड़ेगा, एचएनआई क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा, टिपिकली वहां पे वो काम होता है, इंस्टीट्यूशनल बहुत काम करते हैं, तो ये एक टर्न अराउंड वाली सिचुएशन है, क्योंकि आप कामकाज के लिहाज से देखेंगे ना तो एफएनडीओ के अंदर बहुत काम होता है, इसको थोड़ा रेगुलराइज करने की बात है। ये सुझाव किसने दिया था, ये एलसी गुप्ता साहब की कमेटी बनाई गई, कैसे लागू करने की बात की जा रही है। तो ये डिम्पी हमारे साथ जुड़े थे, ये बताया उन्होंने कि बाजार में सट्टेबाजी किस तरह से कम होगी, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है सेबी की तरफ से ये बेसिकली रिटेल निवेशकों को और फायदा पहुंचाएगा और सट्टेबाजी कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएगी। लेकिन अब हम आपको बता दें कि ऑडी की नई ऑडी RS5 कूप अब भारत में आ गई है, इसकी लॉन्चिंग हुई और इसकी कीमत करीब 1,10,00,000 रुपए बताई जा रही है, इसे A5 रेंज में रखा जाएगा। और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उन्हें क्रिकेट के बाद कार और उसकी रफ्तार काफी पसंद है, समय के हिसाब से कार की टेक्नोलॉजी में बदलाव होंगे, और इस पर विराट कोहली से एक्सक्लूसिव बातचीत की नंदकुमार नायर ने। फैसिनेशन ऑडी के साथ कैसे लगाव अभी भी बना हुआ है? कार्स का फैसिनेशन तो बहुत समय से है, पहले से ही है, मुझे काफी मजा आता है जब ये नए इनोवेशन आते हैं और मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है आके उसको लॉन्च करने का, उसको चलाने का, तो आई फील वेरी ऑनर्ड। आजकल हम बात करते हैं ऑटोनोमस कार्स की, हाइब्रिड सेल्फ ड्रिवन कार्स की, यू थिंक द होल चार्म ऑफ कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज गोन गो, अगर आपको ड्राइव करने का मौका ही नहीं मिले गाड़ी अपने आप जाएगी? देखिए पिछले 20-25 साल में मैं बोलूंगा जितना टाइम चेंज हुआ है, जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ ही मूव करना पड़ रहा है, तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द लार्जर पिक्चर, अगर उसको माइंड में रख के सारी कंपनीज एक तरफ जा रही हैं, तो आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स हमें अपने डिजायर्स थोड़े कर्ब करने चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 10-15 साल में देख रहे हैं कि पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक, टोटली इलेक्ट्रॉनिक कार्स, you have to move with the times, you have to respect that this is the best thing happening for our planet, for the environment, aur sab log agar wo conscious step over a period of time lenge to I think apne ye desire ek bahut choti si cheez hai in the larger picture। All right, तो चलिए अगला शो फास्ट मनी के लिए हमारे साथ सुमित और रजत जुड़ेंगे अगले कुछ ही देर में, और पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।